गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साधकों से एक छोटा सा निवेदन है, आप दो मिनट के लिए कोई बिना बात करते शांत हो जाओ और केवल गुरु का स्मरण करो। दो मिनट के लिए आवाज ना आए, कहीं भी सुई गिरने की भी आवाज ना आए। आप केवल 11 बार, मैं जो मंत्र बोलता हूं उसको 11 बार मन से बोलो। ओम श्रीम निखिलेश्वराय श्रीम ओम नमः। ओम श्रीम निखिलेश्वराय श्रीम ओम नमः। ओम श्रीम निखिलेश्वराय श्रीम ओम नमः। मैं अभी आपको, आपके सामने हम सब लोग बैठे हुए हैं, इतना सुंदर पंडाल हो या आश्रम की जो भी अभिवृद्धि है, इसके पीछे एक तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा है। मुझे ऐसे गुरु भाई या ऐसे सहायक या ऐसे शिष्य को, ऐसे भक्त को दिए हैं कि मेरी एक आवाज पर और बिना आवाज के भी वो अपना काम करने लगते हैं। मुझे इसकी खुशी है कि गुरु जी ने मुझे, अगर आप कहो तो इसे अष्टैश्वर्य कहो या अष्ट महासिद्धि को मुझे प्रदान की है, जो आप सब लोग बैठे हैं। सच बात से आप एक बार हाथ उठाकर बता दो कि क्या अब आश्रम में आए जब से आपको खाने पीने की या रहने की व्यवस्था में कुछ त्रुटि है, जहां आपके घर से भी यहां अच्छा मिलता है, तो तालियां बजाओ कि सचमुच है। मैं अपने भाइयों को जो दे रहा हूं उसे आप सभी को मैं मेरा परिवार समझता हूं, और गुरुजी ने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की थी। अगर कोई परिवार का मुखिया होता है तो वो अपने परिवार को देखना उसका कर्तव्य बनता है, अपने सभी लोगों को देखे, चाहे अस्त्र वस्त्र हो या अन्न हो, ये सभी की देखभाल वो करें, तभी वो परिवार का मुखिया कहलाने के लायक है। अगर परिवार का मुखिया कुछ काम करने के लायक नहीं रहा तो पत्नी भी उसको सुखी नहीं देखती, ना पुत्र, ना कोई नहीं देखता जिसके पास उसका एक उसमें सामर्थ्य ना हो। इस सामर्थ्य के पीछे मुझे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने योग्य गुरु भक्त और योग्य गुरु भाई और योग्य शिष्य मुझे प्रदान किए हैं, जो मेरे एक आवाज पर इस सारे कामों को करते हैं। मैं नाम लूं तो बहुत सारे नाम अपने लाइन में आ जाते हैं। कल हमने पालकी में आए लोगों को वस्त्र दिए हो, या आश्रम में या कहीं भी दिए हो, वस्त्र हो, अन्न हो, जो आप ले रहे हैं, इसके पीछे उस गुरुजी के अष्टमा सिद्धियों का ही एक श्रेय है। वो अष्टमा सिद्धियां है जो आज मैं आपके सामने बता रहा हूं कि मेरे पास है। बड़ौदा वालों ने भी दिया। सबसे बड़ी बात तो मुझे हर साल में हमारे सतीश ममदापुर के एक दोस्त हैं, दिगंबर बोकाड़े, वो 250 शर्ट अपने इस पे सी के लाता है। आपको जो पीले कपड़े दिए गए हैं वो अपने बल पर लाता है। देखा जाए तो उसको अगर कहूं तो वो गरीब है, लेकिन उसकी जो वो श्रेष्ठता है, सतीश ने उसको जो श्रेष्ठता प्रदान की और वो किया है, मुझे हर बार उसको देखने के बाद एक ऐसा लगता है कि जिसने अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में अर्पण किया। सत्व ऐसे तो सभी लोगों ने दिया है, यहाँ वस्त्र का दान, काशी से भी कपड़े आए हमारे चारी साहब दिए, बरोल बहन दिए, और गुजरात के सारे साधक उसमें इन्वॉल्व है, उसके साथ नासिक वाले हैं, इस
नागपुर वाले हैं, ये सारी चीज़ों ने। अभी नंबर आता है कि हमारे वाघ सर ने उस्मानाबाद से उनके साधकों के साथ हमारे आश्रम वासियों के लिए वस्त्र तैयार किए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो वस्त्र यहाँ लाकर रखें, बाद में हम उन वस्त्रों को हमारे आश्रम वासियों को जिनको देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। वस्त्रों को यहाँ लाकर रखें, वो भी उनका योगदान किराना में भी रहा, उनका योगदान वस्त्रों में भी रहा। हमारे नागपुर के लोग भी, कुलकर्णी वो लोग भी हमारे वस्त्रों की, जो आपको आपके पास वस्त्र आते हैं इसके पीछे सब वही सिद्धियाँ हैं। मैं एक बात जरूर इतना कहना चाहता हूँ, मैं अगर मेरे शिष्यों को सामर्थ्यवान बनाता हूँ तो ही मुझे ये देने का लेने का अधिकार है। अगर मेरे शिष्य सामर्थ्यवान नहीं है तो मैं नहीं लूँगा। मैं इस बात को जानता हूँ। मैं भी गुरुजी के शिविर में कहीं आखिर में बैठा करता था। पत्नी कभी एक बार मैंने बहुत बार सुनाई आपको कि हमें शिविर करना है, तो वो कहती थी कि हम शिविर कर सकेंगे क्या। मैं बोला चुप बैठ, अपने से शिविर नहीं होता, बहुत लाखों का खर्चा होता है, उसमें अपने से शिविर होने वाली बात नहीं है। जो है गुरु जी की पूरी साधनाएँ कर ले, हम साधनाएँ करेंगे। ये बहुत दिनों से होता था, बात होते होते मैं गुरु से जुड़ा हूँ 82 और 86 से, और मंत्र जाप वगैरह साधनाएं शुरू कर दी थी, और 93 तक यानी कम से कम 7 साल और 8 साल गुरु जी की परीक्षाओं में से छूटा, गुरु जी परीक्षाओं में रहा। दिन ब दिन ऐसा गुजरा कि मेरे अपने लोग ही मुझसे तिरस्कार करने लगे। ऐसे भी दिन मैंने देखे हैं, और ऐसे भी दिन लगे हैं कि आज रहूं या कल जाऊं, ऐसे भी मैंने दिन देखे। मैंने कभी नहीं बताया, मैं आज तुम्हें बता रहा हूं। पत्नी को बिना बोले मैं कितने ही जंगलों में साधना करने के लिए चले गया, और वो जो सिर्फ गुरु जी के फोटो के सामने बैठा करती थी और कहा करती कि मेरे पति जहाँ भी हो साधना गए हैं देखना है। उन्होंने एक बार गुरु जी ने काशी में मुझे भेजा था, तो यहाँ से उन्होंने गुरु जी को फ़ोन किया, तो गुरु जी ने कहा तेरा पति सेफ है, तो उसके बारे में चिंता न करना। ऐसी साधनाएं जब आपने तपस्या के साथ संपूर्ण की, आज आप ये सब देख रहे हैं, ये साधना की क्रिया देख रहे हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं। बहुत लोगों का कहना है कि ज्येष्ठ गुरुवाई गुरु होकर बैठे हैं, उनको अधिकार नहीं है। मैं सच बात आपको आपकी इस बात को मानता हूं। हमें परसों, मुझे तो पता नहीं कि यहाँ निर्मल है तो जानते हैं कि एक अनिल गुरुजी का एक ग्रुप बनाया है, उसमें कोई महाशय राहुल शर्मा जी है, उसमें उन्होंने एक कमेंट किया कि सारे ज्येष्ठ गुरु भाई जिनको अधिकार नहीं है वो गुरु बन के बैठे हैं। उसके पीछे कारण है, अगर राजा सक्षम हो तो कोई अतिक्रमण या कोई उसके ऊपर लड़ाई करने नहीं जाता, अगर राजा असमर्थ हो तो प्रजा उसके ऊपर वार करती है, उसके ऊपर जाती ही है। अगर आप होते तो आज कोई ज्येष्ठ गुरु भाई, किसकी ताकत नहीं थी जब तक गुरुजी थे कोई गुरु बनकर आगे चले। आज ये होने का कारण क्या है, आप अगर इनको प्रेम से लेकर चलते, इनकी हर इच्छा पूर्ण करते, इनकी हर साधनाओं को देते या उनको मार्ग, आज इतने ऐसे साधकों को भी बताता हूं केवल शक्तिपात दीक्षा देकर जाते हैं, उनको गुरुमाला फेरने नहीं आती, उनको नहीं कहा जाता कि गुरु मंत्र का सवाल आ करो, जबकि गुरु ने साधकों का निर्माण किया था सिद्धाश्रम साधक परिवार के नाम से। मैं आज इस सभा के मुख से, इस गुरु पूर्णिमा के मुख से उस राहुल शर्मा जी को देता हूं कि हम गुरु भाई को कोई शौक नहीं है कि हम गुरु भाई या गुरु बनकर बैठे। लोग हमारे पास जब आते हैं और पूछते हैं कि गुरुजी हमें मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो हमें मार्गदर्शन देना पड़ता है, और जब मार्गदर्शन देते हैं तो वो लोग हमें गुरु करते हैं। कबीरदास जी ने जैसा कहा है लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। मैं मेरे गुरु का प्रचार करने गया और लोग मुझे गुरु कहने लगे, इसमें दोष मेरा नहीं है। लोगों को मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे गुरु कहो, लोगों को मैंने कभी नहीं कहा तुम मार्गदर्शन चाहते हो। और मेरी एक ही धारणा पहले से रही है, साधना के बल पर ही हम सब कुछ साध सकते हैं। कोई शक्तिपात दीक्षा हो कोई हो, ये केवल थोड़े दिन के लिए काम करती है। अपने पास शक्ति कितने दिन की हो, बुढ़ा हो गया तो चली जाती है शक्तिपात, लेकिन साधना तपस्या बल तुम्हारे इस जन्म में नहीं अगले जन्म तक तुम्हारे को तपस्या का फल देने वाली होती है। और साधना का मार्ग ही श्रेष्ठ है। जब आप कहते हो कि शक्तिपात दीक्षा में श्रेष्ठता है, तो फिर मंत्र तंत्र यंत्र ज्ञान की पत्रिका जो मासिक पत्रिका, तो आप निखिल मंत्र विज्ञान या और पत्रिकाएं जो निकालते हो क्यों निकालते हो, उसमें क्यों साधनाएं देते हो? साधना देने से पहले शिष्य को समर्थवान करो, उसको कहो कि तुम सवाला गुरु मंत्र जप करके आओ। माला फेरने आज स्फटिक माला का क्या अर्थ है उनको नहीं मालूम, जो लोग नए जुड़े हैं। मैं पुरानों की बात नहीं करता, मुझे कोई शौक नहीं है कि आपको खाना खिलाकर यहां बिठा कर। मैं वैसे मेरे पति पत्नी और बच्चों के साथ अच्छी तरह साधना करते जीऊंगा और जीना आता है। केवल मेरा दिल कहता है कि मेरे गुरु का नाम कहीं बदनाम ना हो,
और आज आप अगर जानते हैं इस बात को, मैं सभा के मुख से कहता हूं, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ आदि भाषाओं में कहते हैं, अगर हम गुरु का नाम लेकर जाते हैं, अरे भाई वो पैसे वाले गुरु हैं, हमारे से काम नहीं होता, ये निष्ठा, ये चल रहा है नहीं, ये आप देखकर बोलो कि ऐसा होता है। और जब मेरे गुरु को कोई ऐसी बात करते हैं तो मुझे ठेस पहुंचती है। मैं कहता हूं बिना एक पैसा लिए तुम्हारे को गुरु साधना में प्रवृत्त करूंगा और साधना का बल बताऊंगा। इस प्रकार से मैं जो निखिल चेतना केंद्र की स्थापना किया हूं।